नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट आपका रामानुज मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सबने एटलीस्ट अब तो तैयारी शुरू कर दी होगी, क्योंकि स्टूडेंट देखिए नोटिफिकेशन आ चुका है संस्कृत शिक्षा विभाग सेकेंड ग्रेड का। इस वीडियो में हम दो टॉपिक लेने वाले हैं। नंबर वन, उन दो टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। नंबर वन टॉपिक होगा कि जो दो सबसे बड़े भ्रम बहुत से स्टूडेंट ने पाले हुए हैं इस RPSC संस्कृत शिक्षा विभाग सेकंड ग्रेड को लेकर के। नंबर वन भ्रम कि वो ये सोच रहे हैं कि ये जो भर्ती आई है वह केवल उन शिक्षा शास्त्री BEd वाले स्टूडेंट्स के लिए आई है और सामान्य BEd वाले स्टूडेंट इस भर्ती को नहीं भर पाएंगे। स्टूडेंट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए। आपने जो BEd की है, यानी कि आपकी जो सामान्य BEd स्टूडेंट, वे सभी स्टूडेंट है ना, वे सभी स्टूडेंट इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं, ये आप मान के चलिए। कई स्टूडेंट के दिमाग में ये बात घुसी हुई है कि सर इसमें तो केवल जो BEd शिक्षा शास्त्री है वही फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि ये संस्कृत विभाग की है। स्टूडेंट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है। ये पहला एक भ्रम है जो कई सारे स्टूडेंट के दिमाग में है। स्टूडेंट, इसमें आप सामान्य BEd वाले स्टूडेंट भी बिल्कुल इसमें आप फॉर्म भर सकते हो, ये विज्ञप्ति आपके लिए ही आई है। नंबर दो, 40% का रूल। स्टूडेंट देखिए, मैंने आपको कल भी बता दिया था कि मैंने विज्ञप्ति में कहीं भी 40% न्यूनतम उत्तीर्णांक, 35% ST SC के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक कहीं नहीं देखे हैं। और मैं आपको जो मेरे वीडियो का सेकेंड पार्ट है उसमें मैं आपको बताऊँगा भी, ठीक है, प्रमाण भी दूंगा कि किस वजह से 40% का नियम जो है बिल्कुल हट चुका है, यानी कि था ही नहीं, हट क्या चुका है, था ही नहीं। पर चूंकि 2022 की जो विज्ञप्ति जो थी सामान्य शिक्षा विभाग की उसमें था, तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि संस्कृत शिक्षा विभाग में भी है। लेकिन जब परिणाम आया आपका प्रोविजनल का, उसमें ये कन्फर्म हो गया कि 40% का नियम नहीं था। मैं आपको वो बता भी दूंगा कट ऑफ के बारे में, ठीक है। हाँ, तो ये दो भ्रम थे जिनको मैं आज बिल्कुल आप इसको दूर कर लें कि सामान्य BEd वाले सभी स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल हैं। जिनकी उम्र आपके 18 से स्टूडेंट और 40 वर्ष के स्टूडेंट बीच में है, वो सभी स्टूडेंट इसको भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 40% का नियम था ही नहीं पहले भी संस्कृत शिक्षा विभाग में, और कहीं विज्ञप्ति में कोई उल्लेख नहीं है, ठीक है। तो आप मान के चलिए कि ये अच्छा मौका है स्पेशली मैथमेटिक्स के लिए स्टूडेंट को, क्योंकि पिछली बार अगर कोई स्टूडेंट रुके हैं तो 40% के रूल की वजह से स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। तो स्टूडेंट, आपका एक भ्रम मेरे ख्याल से बिल्कुल दूर हो गया होगा कि इसके लिए सामान्य BEd वाले सभी एलिजिबल हैं, कोई शिक्षा शास्त्री BEd की आवश्यकता नहीं है और 40% का नियम नहीं है। देखिए, अब देखिए स्टूडेंट, मैं इसके लिए आपको 2022 और 2024 दोनों की जो कट ऑफ है उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, है ना, हर कैटेगरी की। 2022 स्टूडेंट और 2018 और 2022, ठीक है स्टूडेंट, 2018 और 2022, 24 में तो अभी विज्ञप्ति आई है ना, तो 2018 और 2022 की कट ऑफ स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे। नॉन TSC में जो स्टूडेंट थी, सीट्स थी स्टूडेंट, वो आपके 134 थी 18 के अंदर। TSC में स्टूडेंट आपकी सीट्स थी 10 सीट्स, ठीक है। 2022 में स्टूडेंट क्या हुआ कि आपके नॉन TSC जो सीट्स स्टूडेंट वो आपके आ गई 70, ठीक है। और स्टूडेंट यहाँ जो TSC में थी स्टूडेंट वो थी आपके 5, ठीक है। और मैं अगर सीट्स की बात कर लूँ तो स्टूडेंट 2024 में अब जो विज्ञप्ति आई है स्टूडेंट, आपका नॉन TSP में जो विज्ञप्ति जो स्टूडेंट आया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ 61 है और TSP में स्टूडेंट भर करके 7 है, यानी कि कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है 2022 और 2024 में। TSP कैटेगरी में 2 सीट्स बढ़ी हैं तो नॉन TSP में आपके 9 सीट्स कम भी हुई हैं। लेकिन 2024 में स्टूडेंट, मैं फिर बता दूं, 18 में भी 2 बार विज्ञप्ति जारी हुई थी, सीट्स भरी थी। 22 में भी 2 बार विज्ञप्ति जारी हुई थी, सीट्स भरी थी। तो 2024 में भी ऐसा नहीं होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो सीट्स भरने की संभावना पूरी पूरी है। अब देखिए स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं आपके सामने क्या कट ऑफ थी, है ना, तो आप एक मोटा मोटा एक अनुमान लगा पाएंगे। एक बता दूं स्टूडेंट, 18 में 22 में दोनों में स्टूडेंट पेपर का लेवल सेम था, कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था। तो आप ये नहीं सोचे कि सर पेपर उस तक सरल आया हो इस वजह से मेरिट ऊपर चली गई और या कठिन आया हो तो डाउन गई, ऐसा कुछ भी नहीं था स्टूडेंट। दोनों ही टाइम का पेपर का जो स्टैंडर्ड जो था वो स्टूडेंट लगभग लगभग करीब करीब सेम सा ही था,
ठीक है। तो उसमें देखिए, अगर हम देखें तो उसमें देखिए आपका जो जनरल कैटेगरी स्टूडेंट, आपके 2018 के अंदर जो जनरल कैटेगरी स्टूडेंट जो था कट ऑफ, वो था आपका 261.85 था, 261.85 था। ओबीसी कैटेगरी स्टूडेंट आपका, ये मैं फाइनल बता रहा हूँ आपको, 259.95 था, 95। एससी कैटेगरी में स्टूडेंट आपका था 207 और स्टूडेंट एसटी कैटेगरी में थी आपके 194। स्टूडेंट देखिए, ये कट ऑफ थी आपकी नॉन टीएसपी कैटेगरी के अंदर 2018 में 134 सीट्स के लिए, ठीक है। टीएसपी कैटेगरी में स्टूडेंट जो आपकी 10 सीट्स थी स्टूडेंट, उसके लिए आपकी जनरल कैटेगरी जो कट ऑफ थी दैट वॉज 173.4 थी। और स्टूडेंट एसटी कैटेगरी, क्योंकि एससी में तो पद आता ही नहीं है, अभी भी नहीं आया था, पहले भी नहीं आया था, ठीक है। तो इसमें देखिए 2018 के अंदर स्टूडेंट 173 थी और एसटी में स्टूडेंट थी 86.89। ये 10 पदों की बात हो रही है ना। तो इसमें ये था पूरा, नॉन टीएसपी के अंदर 134 पोस्ट थे, कट ऑफ जनरल की 261, ओबीसी की 259.96, 207 एससी एंड एसटी, ये था, ठीक है। अभी देखिए स्टूडेंट, जैसे आपको पता होगा 2022 का फाइनल रिजल्ट अभी जारी नहीं किया गया है, प्रोविजनल रिजल्ट जारी किया गया है, लेकिन मैं अपने हिसाब से जो फाइनल रिजल्ट जो हो सकता है, जिसकी संभावना है, वो आपके सामने रख रहा हूँ ताकि हमें कंपैरिजन कर सके, ठीक है। तो इसमें देखिए नॉन टीएससी में 70 सीट्स थी और टीएससी में आपके 5 सीट थी स्टूडेंट। तो चूंकि स्टूडेंट जनरल कैटेगरी में आपकी जो मेरिट है स्टूडेंट, वो मेरे ख्याल से 285 तक जा सकती है। ओबीसी कैटेगरी स्टूडेंट जो है वो मेरे ख्याल से 277, ये मैं फाइनल ही बता रहा हूँ, प्रोविजनल नहीं, ताकि हम एक कंपेरिजन कर सकें, ठीक है। 277 स्टूडेंट देखिए, 230 आपकी एससी कैटेगरी में और 225 ये स्टूडेंट आपकी एसटी कैटेगरी में जाने की संभावना है मेरे ख्याल से, है ना, क्योंकि प्रोविजनल का रिजल्ट आया है, आपके अभी फाइनल का नहीं आया। और सुन देखिए, टीएसपी कैटेगरी में स्टूडेंट अगर आप देखें 5 सीट थी स्टूडेंट, तो उसमें से अगर मेरे को लग रहा है कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट आपका लगभग लगभग 222 से स्टूडेंट 225 के बीच जा सकता है स्टूडेंट। और देखिए स्टूडेंट, यहाँ आपके 170, ठीक है। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि टीएसपी कैटेगरी में स्टूडेंट आपको एटलीस्ट 35% मार्क्स स्टूडेंट लाना आपको आवश्यक था, है ना। क्यों 40% नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट टीएसपी कैटेगरी में आप जानते हैं 35% मार्क्स लाना अनिवार्य है स्टूडेंट। तो आप देख सकते हैं दोनों पेपर मिला करके और आपके पास लगभग 175 का आंकड़ा क्रॉस होना चाहिए प्रोविजनल में भी, लेकिन स्टूडेंट प्रोविजनल की बात करूंगा तो वो 165 गई है आपकी एसटी के अंदर टीएसपी। तो आप सीधे सीधे देख सकते हैं कि 35% वाला रूल वहां काम नहीं किया। मैंने तो ये मेरिट फाइनल की लिखी है, लेकिन चूंकि प्रोविजनल में भी आपको 35% तो चाहिए, अगर उससे कम है तो आपका क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, एनए लिखा हुआ आ जाएगा, नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो वहाँ हमारे पास प्रोविजनल के मेरिट जो है 165 गई है। तो आप देख सकते हैं कि कम आपके पास 35% के हिसाब से स्टूडेंट आपका क्या स्कोर बनता है, 70 प्लस 105 आपका मैथ्स में होना चाहिए एटलीस्ट, है ना। और 70 मार्क्स जो है स्टूडेंट, वो आपके कम से कम कितने होने चाहिए, जीके में होने चाहिए, यानी कि 175 वो गया 165, है ना, ये मैं फाइनल लिख रहा हूँ, है ना, 170, ओके। तो स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा 40-35 का कोई रूल नहीं था, पहले भी नहीं था और अभी भी नहीं है। अब स्टूडेंट देखिए 2024 में, इस पर डिस्कस बाद में करेंगे, क्या कट ऑफ वोट ऑफ ये तो कुछ कह नहीं सकते, अभी तो पेपर भी कुछ नहीं हुआ है, हाँ केवल विज्ञप्ति आई है स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट ये कंपटीशन था, मैं आपको बता दूं अभी तक संस्कृत विभाग की विज्ञप्ति जो है वो सबसे पहले आपके 2008 में आई थी, जिसको संशोधित होकर के वापस आई, और स्टूडेंट आपका ये आपका जो एग्जाम था स्टूडेंट वो आपका 2010 में कंडक्ट हुआ था, सीट्स कम थी, उसके बाद स्टूडेंट पूरे 8 में विज्ञप्ति आई थी, पेपर आपका 10 में हुआ था, फिर पूरे 10 साल बाद स्टूडेंट यानी कि आपके 2018 के अंदर ये विज्ञप्ति आई, ठीक है। फिर 22 में ये अब रेगुलर आ रही है, फिर 24 में, मतलब अभी विज्ञप्ति आपका रेगुलर आ रही है, आपकी जो सामान्य शिक्षा विभाग है उसके पैरेलल स्टूडेंट ये विज्ञप्ति आती है ना। तो ये मान के चलिए स्टूडेंट, तो ये था पूरा कॉन्फ़िगरेशन कि 18 और 22 के अगर हम कंपैरिजन करें स्टूडेंट, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट सीट्स जस्ट हमारे पास में आधी थी, 70 और 134, इसलिए मेरिट जो यहाँ 261 पे थी स्टूडेंट वो यहाँ 285 पर पहुंच गई। तो हो सकता है इस बार अगर पेपर का लेवल का टफ नहीं रहता है, 18 और 22 की तरह ही रहता है, तो स्टूडेंट इन्हीं के आसपास यानी कि इसके आसपास की मेरिट की संभावना बनती है, वो बात की कहानी है स्टूडेंट, ठीक है। तो इस वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि आपको एक तो दो भ्रम हैं वो दूर करने और कट ऑफ के बारे में एक आइडिया बता दें 18 और 22। ये आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि हमारे द्वारा तैयार किए 1500 IMP क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस हैं,
टेस्ट सीरीज है 600 क्वेश्चंस की बीएससी और 11 ट्वेल्थ की, 8 बुक्स जो मैंने हमेशा कहा है आपके पास होनी चाहिए, पीडीएफ मैं आपको सेंड करूंगा, आप उसकी जेरोक्स कर उसकी आप प्रिंट निकाल लीजिएगा। ये स्टूडेंट सब कुछ मिलेगा 140 रुपीज़ के अंदर। साथ ही साथ स्टूडेंट हमारे द्वारा ये जो आपके 1500 आईएमपी क्वेश्चंस हैं, इसमें स्टूडेंट आपके बीएससी पार्ट के 800 क्वेश्चंस हैं, उनके वीडियो सॉल्यूशन भी प्रिपेयर हो रहे हैं बहुत जल्दी, विद इन वन मंथ में स्टूडेंट वो आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो जो स्टूडेंट ये परचेस करते हैं उनको ये 140 रुपीज़ में परचेस करेंगे स्टूडेंट, उसके बाद बहुत ही कम दाम पर अगर वो वीडियो सॉल्यूशन लेना चाहें तो वो उन्हीं स्टूडेंट को प्रोवाइड कराए जाएंगे जिन्होंने कि हमारे से ये परचेस किए होंगे। तो वीडियो सॉल्यूशन पे स्टूडेंट काम चल रहा है, अभी आपको ये सब मिल पाएगा इतने कम दाम पर, है ना। मुझे उम्मीद है कि स्टूडेंट ये क्वेश्चंस आपके लिए पिछले साल भी बहुत काफ़ी यूजफुल रहे थे, क्वेश्चंस इसमें पुटअप भी होते स्टूडेंट, क्योंकि हमारी मेहनत है पिछले पूरे एक साल की स्टूडेंट, है ना। तो ये तो था, इसके लिए आप चाहते ये परचेज कर सकते हैं, मुझे आप केवल व्हाट्सएप पर ही कॉन्टैक्ट करेंगे, है ना। ये तो स्टूडेंट ये वीडियो में केवल इतना ही उद्देश्य था कि आपको उस भ्रम के बारे में, जो दो भ्रम मैंने वो दूर करना और एक कट ऑफ के बारे में डिस्कस करना। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। ओके थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद।